ओम शांति ओम शांति ओम शांति मेरे मीठे बाबा प्यारे बाबा अच्छे बाबा मैं आत्मा का नाम आशा है मैं झारखंड रांची से बिलोंग करती हूँ मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी थी रांची में हुई शादी के बाद मैं पंजाब आई हूँ मैं बचपन से ही शिव बाबा को मानती थी और उनकी भक्ति पे चलती थी मगर मुझे बाबा का कोई ज्ञान नहीं था मुझे समझ नहीं थी कि भक्ति में चलने के बाद भी बाबा की पहचान मुझे नहीं हो रही थी मैं शिव और शंकर दोनों को एक ही समझती थी और न मैंने कभी किसी से पूछने की भी ये कोशिश नहीं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है मैं इसी तरह चलती रही मैं कई साल तक इस बात को लेकर भटकती भी रही मैं 1967, 1967 से भटक रही हूँ कभी किधर कभी किधर कभी किधर मगर मुझे कभी राह मेरे को कोई नज़र नहीं आई आखिर मेरी एक फ्रेंड थी वो उसके बच्चे राजस्थान में जॉब करते थे वो यहाँ राजस्थान आई थी तो उसने मेरे को बताया कि मैं राजस्थान गई थी वहाँ वहाँ मैं घूमी हूँ मैं शांतिवन और पांडा भवन का भी उसने नाम लिया क्योंकि बचपन से मे बचपन से नहीं जब से मैं ज्ञान में तो आई नहीं थी, थी क्योंकि ज्ञान का मेरे को ए बी सी भी पता नहीं था कुछ भी नहीं पता था तो उसने मेरे को बताया था कि मैं ऐसे से गई थी मगर मैं शांत ये ऐ, ब्रह्म कुमारियों का नाम तो ज़रूर सुना था मगर इनके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं था जिस तरह ये बहनें जो समर्पित होती भाई समर्पित होते हैं ये शादियाँ नहीं कराते हैं मेरी भी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैंने शादी नहीं करानी है और मैंने कहीं ना कहीं समर्पित होना है इसलिए मैं भटकती रहती थी मगर मेरी शादी हो गई चलो वो तो जो होना था हो गया बाबा को जो मंजूर था मगर मैं जब मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया उसके बाद मैंने निर्णय कर लिया कि नहीं मैं यहाँ सेंटर में जाऊँगी और मैं सात दिन का कोर्स करूँगी और मेरे को पांडव भवन और ज्ञान में बहुत इच्छा थी आने की तो मैं जब सात दिन का कोर्स किया तो मैंने दीदी से बात की दीदी ने मेरे को कोर्स कराया और मैंने उनसे कहा कि मेरे को जाना है तो जब मैं पहली बार वहाँ पर शांतिवन में गई एक हफ्ते के लिए गया और उस टाइम बाबा का बाबा मिलन था लास्ट बाबा मिलन हुआ था जो मैं इतनी पद्मोवद भाग्यशाली हूँ कि मैंने बाबा के दर्शन किए थे मैं उसके बाद मेरा मन वहाँ ऐसा लगा कि मेरे वापस आने को मन नहीं करता था मेरा दिल करता था कि मैं यहीं पर रह जाऊँ और कुछ मेरे साथ कुछ एक बार ऐसा वाक्य हो गया जिससे मेरे दिल ने दिल को इतना तोड़ा था कि मेरा घर आने को मन वापस नहीं करता था मैं चाहती थी मैं यहीं रह जाऊँ मैं दुनिया की किसी चीज़ को ना देखूँ बस यहीं पर यहीं टिक जाऊँ मैं बार बार दीदी लोग से रिक्वेस्ट करके मैं जाती थी तीन तीन चार चार महीने रहती थी मेरे को ज्ञान सरोवर पांडव भवन शांतिवन दादी कॉटेज में सेवा करने का मौका मिला जब मैं वहाँ रहती थी मेरे को भाइयों से बहनों से इतना प्यार मिला इतना प्यार मिला और मेरा कुछ परिवर्तन मेरे में कुछ इतना परिवर्तन आ गया क्योंकि मेरे को क्रोध बहुत आता था मेरे से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती थी मगर बाबा का बनने के बाद मेरे में बहुत चेंजेस आई और मेरे घर में कोई भी ज्ञान में नहीं चलता था और जब मैं सब बच्चों को अपने पोती को दोती को सबको मैं ओम शांति बोलती थी वो बच्चे भी अब ओम शांति बोलते हैं और राम राम या नमस्ते वो कुछ नहीं बोलते हैं तो ओम शांति बोलते मीठे बाबा प्यारे बाबा अच्छे बाबा इस तरह वो भी बोलते हैं मैं तो यही जानती हूँ कि बाबा के बनने के बाद मेरे में बहुत ही परिवर्तन हुआ है फिर भी मैं चाहती हूँ कि जितना परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो रहा मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे में पूरा परिवर्तन हो अब बाबा का हाथ सदा मेरे ऊपर है और मैं उनकी छत्र छाया में मैं पढ़ रही हूँ उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे इतना कुछ दिया इतना कुछ दिया है इसलिए मैं सबसे दुआ भगवान से दुआ करती हैं बाबा से दुआ करती जितना मेरे को दिया सारे संसार को दे सारे सुखी रहें सब खुश रहें किसी को कोई कष्ट किसी को कोई दुख ना मेरे अंदर से यही अब दुआ निकलती सारे संसार की आत्मा खुश रहें ओम शांति ओम शांति